प्रॉपर्टी बाजार के उतार चढ़ाव से निराश होकर मुंबई से सटे ठाणे के एक डेवलपर सूरज परमार ने पिछले हफ्ते अपनी रिवॉल्वर से गोली मारकर जान ले दी थी। ये मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दिया और आज क्रेडाई ने देश भर में प्रोटेस्ट किया। अक्सर आपने डेवलपर्स और बिल्डर्स के खिलाफ घर खरीदारों को प्रोटेस्ट करते देखा होगा, लेकिन प्रोटेस्ट की ये तस्वीर किसी घर खरीदार की नहीं। दरअसल मुंबई से सटे ठाणे में डेवलपर सूरज परमार ने बुधवार की दोपहर खुद की रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस वारदात के बाद क्रेडाई ने एक दिन के लिए स्ट्राइक बुलाई थी। इसमें देश भर के डेवलपर्स ने हिस्सा लिया और सरकार के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई। इस सुसाइड मामले में कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनका पैसा उनके प्रोजेक्ट में लगा हुआ था और अब वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। इस लेन देन को लेकर लगातार उन नेताओं की तरफ से प्रेशर उन पर डाला जा रहा था। हालांकि सूरज परमार ने अपने सुसाइड नोट में बिल्डरों के साथ हो रहे शोषण की बात कही है कि किस तरह से प्रशासन से लेकर सरकार की तरफ से बिल्डरों को परेशान किया जाता है। आप देख रहे हैं कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सबने अपने अपने ऑफिसेज, अपने अपने साइटें, सुबह दो मिनट का सबने मौन व्रत रखा उस दिवंगत आत्मा के लिए जिसने सैक्रिफाइस दिया कि हमारे इस इंडस्ट्री में सुधार हो। बड़े सारे सुझाव दिए लेकिन सुधार नहीं हो पा रहे क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच, जो ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स उनकी तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं आती है, तो उसी के अगेंस्ट हम यहाँ खड़े हुए हैं। अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के जो एक हाउसिंग फॉर ऑल की पॉलिसी है, ईज टू बिजनेस है और नेशनल बिल्डिंग का प्रोग्राम है, हम उसके हिस्सेदार हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं, तो हमें फ्री होकर काम करने दिया जाए और जो ये हर्डल लाइन को दूर किया जाए। इस सुसाइड का पूरा सच क्या है वो तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन सूरज परमार के इस सुसाइड नोट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि इस सेक्टर का हाल कहीं हमारे किसानों की तरह ही ना हो जाए। टोटल न्यूज के लिए वैद्यनाथ झा की रिपोर्ट।